एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। भरित्य बना एक दिन के लिए, विकास खंड शिक्षा अधिकारी सराहनीय पहल। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शिक्षा विभाग के एक विकास खंड अधिकारी बीओ ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने अपने माथत एक भरित्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एक दिन के लिए अपना कार्यभार सौंपकर चेंबर और कुर्सी पर बैठा दिया। भिंड जिले में शिक्षा विभाग के एक खंड विकास अधिकारी ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने अपने माथत एक भरित्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एक दिन के लिए अपना कार्यभार सौंपकर अपने चेंबर और कुर्सी पर बैठा दिया। खास बात ये कि उन्होंने यह सब केवल जुबानी जमा खर्च पर नहीं बल्कि बाकायदा शासकीय आदेश निकालकर किया। भिंड विकास खंड शिक्षा अधिकारी के इस आदेश को आप भी पढ़ सकते हैं। अभिनव पहल के तहत ये आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग के लिए यह एक सराहनीय पहल है। बता दें कि यह अनूठी पहल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुदामा सिंह भदौरिया ने की, जो पूरे अंचल में चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने अपने दफ्तर में ही कार्यरत भरित्य रमेश श्रीवास को एक दिन यानी 30 नवंबर 2022 को बीओ के रूप में पदस्थ करने का आदेश जारी कर दिया, जिसमें भरित्य श्रीवास को 30 नवंबर को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भिंड का चार्ज सौंपने की बात लिखी है। हालांकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें उनके पास प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार नहीं रहेंगे, क्योंकि इसकी लंबी प्रक्रिया होती है। कलेक्टर से करवाया अनुमोदन। बीओ भदौरिया ने इस ऑर्डर को कलेक्टर के पास अनुमोदन के लिए भेजा तो वहां सभी अधिकारी और कर्मचारी इसे देखकर चौंक गए। इसके बाद भदौरिया ने वहां जाकर सबको इसके पीछे का अपना मंतव्य बताया तो कलेक्टर ने भी तत्काल इसे अनुमोदित कर दिया। भदौरिया कहते हैं कि मैंने एक प्रयोग किया है जिसका उद्देश्य किसी भी कर्मचारी के मन में यह भाव न रहे कि हम छोटे कर्मचारी हैं। मेरा मानना है कि शासन प्रशासन के द्वारा हम सभी पदस्थ कर्मचारियों को जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, वह सभी के लिए अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण होती हैं। सभी को अपने पद एवं कर्तव्य का बोध कराती हैं, जिससे हम सभी शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्य करते हैं। ये न समझें कि हम बड़े ओहदे पर हैं। भदौरिया ने कहा कि हम मानते हैं दफ्तर में कार्यरत हर कर्मचारी का अपना एक ओहदा होता है और उसका अपना सम्मान होता है। इसलिए किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े ओहदे पर बैठे हैं तो हमारा अलग से सम्मान होगा। इस पहल से जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उन्हें भी लगेगा कि उसका भी उतना ही सम्मान है जितना बड़े ओहदे के कर्मचारी का है। सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भविष्य में इस प्रकार के प्रयोग और भी करेंगे। इससे कार्यालय का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और सभी को एक दूसरे के कार्यों की महत्वता की समझ आएगी और परस्पर सम्मान बढ़ेगा। विकास खंड शिक्षा अधिकारी बनते ही ले लिया एक्शन। आइए आदेश को पढ़ते हैं। कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी खंड भिंड म। आदेश। आज दिनांक 30 नवंबर 2022 को विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड भिंड द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यालय में साफ सफाई रखने एवं तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि किसी प्रकार का नशा करके कार्यालय एवं कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करना है। अगर कोई भी व्यक्ति नशा आदि का सेवन किए हुए आता है तो 200 रुपए का अर्थदंड भरना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। रमेश विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड मीन। जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके बताए। धन्यवाद।